सो फिर आज हम बात करने वाले हैं हमारे एक नए सेगमेंट की मोस्ट डिमांडेड फ्रेग्रेंस, जिसका नाम है केसर चंदन, जो कि ऑलमोस्ट हमारे अगरबत्ती के साथ साथ काफ़ी सारे ऐसे फ्रेग्रेंसेस हैं जिसमें इसकी डिमांड लगातार बनती रही है और लोग काफ़ी ज़्यादा इसे पसंद करते आ रहे हैं। चाहे मैं अगरबत्ती इंसेंस के बारे में बात करूं या फिर एज अ रूम फ्रेग्रेंस या फिर डियोज स्प्रे अतर, इन सारी चीज़ों में भी केसर की मोस्ट डिमांडेड है। और ये अपने आप में एक चंदन के साथ सैफ्रॉन मिक्स प्लस केसर चंदन जो नाम बन के आता है, वो इसके फ्रेग्रेंस को काफ़ी यूनिक और एक बेहतर मैं कहना चाहूँ तो फ्रेशनेस वाली फीलिंग का एक अनोखा जो खुशबू मैं कहना चाहूँ तो ये है भाई केसर चंदन। सो फिर ये हमारे अगरबत्ती में किस तरीके से फ्रेग्रेंस जो है आएगी और हमारे इस केसर चंदन में क्वालिटी या फिर मैं कहूँ तो खूबियाँ क्या क्या आपको देखने को मिल सकती है, इसी के बारे में बात करेंगे। एक छोटा अनबॉक्सिंग वीडियो होगा आज के इस वीडियो में, इस फ्रेग्रेंस का ट्रायल टेस्ट भी करेंगे और फ्रेग्रेंस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगरबत्ती बिजनेस से रिलेटेड या फिर फ्रेग्रेंस सुगंध से रिलेटेड ऐसी कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल के थ्रू आपको मिलती रहेंगी, तो चैनल प्लीज आप सब्सक्राइब करके जरूर रख लिए। सो फिर सबसे पहले मैं एक चीज आपको दिखाना चाहूंगा, तो ये है हमारी 500 ग्राम की बॉटल्स जिसमें बहुत सुंदर यूनिक सा जो है केसर चंदन का ग्राफिक्स यहाँ पे बना आपको दिख रहा होगा, कुछ इस तरीके से ये ओवरऑल बॉटल्स आपको देखने को मिलेंगी। सॉरी मैं इसलिए कहना चाहूंगा क्योंकि इसके अनबॉक्सिंग वीडियो काफी लेट में आए हैं। वैसे केसर चंदन काफ़ी सारे कस्टमर्स को हमने भेजे हैं और काफ़ी रिपीटेड डिमांड भी चल रही है, बट इसके अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं आ पा रही थी। सो भाई यहां से हमारा जो है फ्रेग्रेंस हमने लिक्विड ट्रांसफर कर लिया है और इसके लिक्विड कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे, डार्क येलो कलर इसके भाई आपको फ्रेग्रेंस देखने को मिलेंगी और फ्रेग्रेंस जो है काफ़ी यूनिक इसके यहीं से जो है सैफ्रॉन प्लस चंदन की खुशबू निकल के आ रही है। इसके बेसिक जो फ्रेग्रेंस की डिटेल्स हैं वो जब तक हम ट्राई नहीं करें तब तक चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, तो फटाफट से कुछ स्टिक्स हम डीप करके ट्राई भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में रॉ स्टिक्स है, हम कुछ परसेंटेज इसे डीप भी कर लेते हैं ताकि हमें इसके फ्रेग्रेंस का और अच्छे से एक्सपीरियंस हो, बट हमने काफ़ी ट्राई किया है, ये वीडियो सिर्फ आज आपके लिए था। सबसे पहले मैं इसके टॉप नोट्स की बात करूं तो ये आपको बेस मैं कहना चाहूं, ऑब्वियसली अगर हमने केसर का नाम दिया है तो केसर की तो खुशबू आनी चाहिए, ये तो जेन्युइन है। इसमें केसर का एक बेसिक टोन आपको देखने को मिलेगा जो कि आपको फील टॉप नोट में ही हो जाएगा इसका। इसके साथ थोड़ा सा स्पाइसी फ्रेग्रेंस आएगा और एक्जोटिक का थोड़ा सा मैं कहना चाहूं तो केसर प्लस चंदन दोनों के बेसिक टोन आपको देखने को मिल जाएंगे। मिडिल नोट जो हमारा मिडिल नोट होता है उसमें थोड़ा सा रोजी फ्रेग्रेंस का टचअप भी आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर इसके आगे के नोट्स के बारे में कहना चाहूं तो ये थोड़ा सा सैंडलवुड का फ्रेग्रेंस देगा, थोड़ा उडी बेस इसके फ्रेग्रेंस आएंगे और एक फ्रेशनेस वाली फीलिंग इस आपको केसर चंदन में देखने को मिलेंगी। मतलब केसर चंदन मींस क्या है ना, सैफ्रॉन प्लस सैंडल के जो बेसिक फ्रेग्रेंस के टच हैं वो फ्रेग्रेंस आपको हाईलाइट होके आएंगे, फ्रेग्रेंस काफ़ी जो है बूस्टिंग बेस में रहेगा और इसके जो फ्रेग्रेंस जो है लास्टिंग भी जबरदस्त तरीके से आने वाली है। मैं ऐसे भी नहीं बोल पाऊंगा कि इसमें 100% आपको केसर ही खुशबू देखने को मिलेंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। केसर चंदन मींस हमारे दोनों फ्रेग्रेंस के टच में एक यूनिक फ्रेग्रेंस निकल के आता है। तो देखा जाए तो आज के टाइम में केसर को हर एक चीजों में जोड़ा जा रहा है। हमने देखा है कि उदी बेस में भी केसर, रोज में भी केसर और कई कई ऐसे उडी बेस फ्रेग्रेंस है उसमें भी केसर, तो बेसिकली वो मैच होना चाहिए आपके जो और अदर कैटेगरीज को जो फ्रेग्रेंस है उसके साथ।
सपोज हमारा चंदन, केसर चंदन जो है एक मिलता जुलता प्रोडक्ट हो जाता है, और फ्रेग्रेंस में इसका दोनों फ्रेग्रेंस के आपस में मैन्यूकुल्स जुड़ने के बाद केमिकल्स बेस एल्डिहाइड्स जो है आपस में मर्ज होने के, मर्ज होना मतलब मिलना, मिलने के बाद इसके फ्रेग्रेंस काफ़ी यूनिक और एक मैं कहूँ तो फ्रेशनेस के साथ में चंदन का बहुत अच्छा जो है हमें फ्रेग्रेंस देता है। और ये हमारे अगरबत्ती, इंसेंस, धूप, स्टिक, स्कोन सारे प्रोडक्ट के लिए मैं इसे तो प्रेफर करूँगा ही। आप बिल्कुल ट्राई कीजिए, अगरबत्ती में तो 100% इसका रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ साथ कुछ बेसिक जो बेसिक इन्फॉर्मेशन या बेसिक आपके जो प्रोसेस है वो आप ध्यान रखिए, जैसे रॉ अगरबत्ती, DEP, ये सारी चीज़ें अच्छी क्वालिटी की, गुड क्वालिटी की होना चाहिए। एक जो बेसिक हमारा यूज़ करने का जो पर्पस होता है वो थोड़ा सा सिस्टमेटिक होनी चाहिए, थोड़ा फ्रेग्रेंस को हमें जो है ब्लेंड करना पड़ेगा। उसके साथ हमारी रॉ स्टिक्स को प्रॉपर मॉइस्चर या फिर सूखा हुआ रॉ स्टिक होनी चाहिए। DP भी एक अच्छा ब्रांडेड कंपनी का होना चाहिए, डेफिनेटली इसका रिजल्ट आपको गुड देखने को मिलेगा ही। तो कुछ इस तरीके से था ये हमारा केसर चंदन। इसकी हाई डाइल्यूशन की मैं अगर बात करूं तो ये 4:5 का रेशियो आपका बेटर देन ब्लैक एंड व्हाइट दोनों स्टिक्स में दे देगी। बट इसे आप किसी तरीके से धूप कोन्स, धूप स्टिक्स के लिए भी ट्राई कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप इसके जो है डाइल्यूशन रेशियो बढ़ा सकते हैं। सो फिर ये था रेशियो, एक बार और मैं बता देता हूं, प्रीमियम क्वालिटी के लिए आप 4:5 का रेशियो आसानी से ले सकते हैं। इस केसर चंदन की बेसिक डिटेल्स और बेसिक इंफॉर्मेशन परफ्यूम मेकिंग से रिलेटेड आप हमें कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। मिलते आने वाले किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।